Hello guys, my name is Viren Singh. Welcome to my channel Smart Learning Academy. In this video tutorial, I am going to discuss about the solution of various questions asked in the CSIR previous year paper, that is 2017 paper. ठीक है, तो अगर आपने एंजाइम के वीडियोस नहीं देखे तो पहले एंजाइम के वीडियोस देख लीजिए, देन उसके बाद आप सॉल्यूशन पे आइएगा, क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा व्हाट इज वी मैक्स, व्हाट इज के एम एंड व्हाट आर द कैटालिटिक इफिशियंसी, व्हाट आर द इनिबिशन काइनेटिक्स, सो आप आसानी से नहीं पता कर पाओगे कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं. सो प्लीज़ डू वॉच माई प्रीवियस वीडियोज रिगार्डिंग द एंजाइम्स, देन आफ्टर प्लीज़ फॉलो दीज वीडियोज टू सॉल्यूशन ऑफ दोज प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स. ठीक है, सो लेट्स सी दोज प्रॉब्लम्स एंड हाउ टू सॉल्व देम ईजली. लेट्स सी वन बाय वन. पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था CSIR दिसंबर 2017 पार्ट सी का क्वेश्चन है. ठीक है, हम देखते हैं कि इसमें क्या है कि मैच द कोएंजाइम्स इन द फॉलोइंग. ठीक है, अगर आपको कोएंजाइम नहीं पता है, ठीक है, मैं पहले ही वीडियो में आपको बताया था कि व्हाट आर द कोफैक्टर्स एंड कोएंजाइम्स. ठीक है, तो अगर आपको वो नहीं पता होगा तो आप क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही दिक्कत होगी. सो लेट्स सी द टेबल ऑफ कोएंजाइम्स एंड वेरियस थिंग्स. पहले वो देख लीजिए एक बार अगर आपने नहीं भी देखा है तो. ठीक है, दीज आर द वेरियस विटामिन्स एंड कोएंजाइम्स आर यूज्ड. दे आर बेसिकली लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स विच आर यूज्ड बाय द विटामिन्स एंड वेरियस एंजाइम्स फॉर द ट्रांसफर ऑफ सम ग्रुप्स. ठीक है, तो थियामिन जो विटामिन बी वन होता है, विटामिन बी वन, वो थियामिन पायरोफॉस्फेट उसका कोएंजाइम होता है. क्या ट्रांसफर करता है? एल्डिहाइड ग्रुप को ट्रांसफर करता है. ठीक है, याद रख रही है एल्डिहाइड ग्रुप. राइबोफ्लेविन बी टू, ठीक है, वो किसको? रिडॉक्स रिएक्शन, मतलब कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करता है. ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वो याद रखिए, थियामिन एल्डिहाइड ग्रुप. पैराडॉक्सिन या पैराडॉक्सल फॉस्फेट को होता है अमीनो ग्रुप, पैराडॉक्सल फॉस्फेट अमीनो ग्रुप. उसके बाद देखिए पेंटाथेनिक एसिड या कोएंजाइम ए, ये किसका ट्रांसफर करता है? एसाइल ग्रुप का. ये आप पढ़े होंगे TCA साइकिल में भी, ठीक है, जब आप रिस्पिरेशन पढ़ते हैं तो. ठीक है, उसके बाद बायोसाइटिन देखिए कार्बोक्सिलेशन यानी CO2 का ट्रांसफर करता है. ठीक है, तो अब आते हैं उस क्वेश्चन पे. क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, टेबलर फॉर्म में कोएंजाइम ए किसका ट्रांसफर कर रहा था? कोएंजाइम ए एसाइल ग्रुप का ट्रांसफर कर रहा था, यानी कि ये रहा एसाइल ग्रुप फोर्थ, ए का फोर्थ देखेंगे आपको सिर्फ पहले ऑप्शन में है, तो आपको बाकी और ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं है. ठीक है, अगर आपको सिर्फ एक ऑप्शन वैसा मिल रहा है तो बाकी ऑप्शन क्रॉस चेक ही मत करिए, आप दूसरे क्वेश्चन पे मूव कर जाइए. ये आपका टाइम सेव करेगा ताकि और क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर पाएँ. ठीक है, अगर आपको नहीं हो रहा है तो आप दूसरे ऑप्शंस भी देख लीजिए. थियामिन पायरोफॉस्फेट किसके लिए था? थियामिन पायरोफॉस्फेट था हमारा एल्डिहाइड ग्रुप के लिए, यानी डी का वन. ठीक है, देखिए डी का वन है. पैराडॉक्सल फॉस्फेट अमीनो ग्रुप के लिए सी का टू है. एंड फ्लेविन हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है, वो यानी रिडॉक्स रिएक्शन, क्लियर है, इलेक्ट्रॉन ग्रुप या हाइड्रोजन एटम्स. तो ये थे एकदम बेसिक क्वेश्चन, बेसिक कोएंजाइम इक्वेशन से आपको याद होने चाहिए. एटलीस्ट दो तीन का भी आप याद कर लेंगे ना, सिर्फ कोएंजाइम ए का, जैसे कि उसका एसाइल ग्रुप होता है, थियामिन पायरोफॉस्फेट का एल्डिहाइड होता है, तो आप इजीली कर सकते हो. आप अगर सिर्फ तीन का, कोएंजाइम ए, पैराडॉक्सल फॉस्फेट, थियामिन पायरोफॉस्फेट का याद कर ले तो बाकी आप कर सकते हो. ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं जो कि CSIR दिसंबर में पूछा गया था. क्या क्वेश्चन है कि फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट पिक द इनकरेक्ट. ठीक है, ए देखिए एंजाइम इन्हेंस रिएक्शन रेट बाय 2 to 10. ठीक है, अगर किसी को याद नहीं हो कि किस फैक्टर से करता है तो 2 to 10 से करता है. नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. सेकंड स्टेटमेंट देखिए कि द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन इज लोअर्ड बाय द एंजाइम. ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है. मैं कई बार बोल चुका हूँ कि जो एंजाइम होता है वो किसको रिड्यूस करता है? वो एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस करता है. तो यानी ये स्टेटमेंट सही है तो ये इनकरेक्ट नहीं होगा. ये इनकरेक्ट नहीं होगा तो ए जहाँ बी जहाँ जहाँ पे उन ऑप्शन को हटा दीजिए, पहला और दूसरा नहीं होगा, सिर्फ ए सी हो सकता है या डी हो सकता है. ठीक है, अब डी को देखिए कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन डजंट अफेक्ट द रेट ऑफ एंजाइम. ये तो बिल्कुल गलत है. अगर आपको माइकलिस मेंशन इक्वेशन याद हो तो वी क्या था? वी इज वी मैक्स इंटू एस में था, तो एस का कंसंट्रेशन उसके रेट पे इफेक्ट कर रहा था ना, तो बिल्कुल ये ऑप्शन गलत है, यानी डी सही है. डी इज इनकरेक्ट एंड ए इज इनकरेक्ट. ठीक है, तो अब ए और डी क्लियर है, ए और डी इज इनकरेक्ट, ऑप्शन फोर इज करेक्ट. ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज द क्वेश्चन नंबर सेकंड आस्क्ड इन पार्ट बी ऑफ द CSIR दिसंबर 2017.
ठीक है, क्या पूछा था इन्होंने कि इंडिकेट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हमेशा क्वेश्चन पढ़िएगा कि वो करेक्ट पूछ रहा है या इनकरेक्ट पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमेशा जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं लोग इनकरेक्ट और करेक्ट के बीच में। यहाँ पे इनकरेक्ट पूछ रहा है मतलब कौन कौन से स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो आपको अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियोज़ देखे होंगे तो आपको बहुत क्लियरली यहाँ पे आ जाएगा कि येलो स्ट्रिक एंजाइम्स फंक्शंस थ्रू द रिवर्सिबल नॉन कोवेलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। मैं बताया हूँ कि नॉन कोवेलेंट इंट्रैक्शन से जो मॉडिफिकेशन होता है वो क्या होता है, येलो स्ट्रिक एंजाइम होता है। ये मेरे प्रीवियस वीडियोज़ की क्लिप्स हैं, ठीक है। यानी कि ये ऑप्शन सही है, तो ये नहीं होगा। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज दैट कैटलाइजेस हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर एंड कार्बोनेट्स कैन बी प्रोड्यूस, हाँ प्रोड्यूस किया जा सकता है, ठीक है, अगर आप मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज पढ़ें। एंजाइम आर नॉट इनहिबिटेड इरिवर्सिबली बाय द हैवी मेटल्स। ये अगर आप इनहिबिशन देखे होंगे तो मैंने पहले ही स्लाइड में बताया था कि इरिवर्सिबल मेथड से जो कोवेलेंटी बॉन्ड होते हैं वो मेटल्स होते हैं या केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, तो जो मेटल्स होते हैं वो इरिवर्सिबल ही बाइंड करते हैं। तो ये नॉट इनहिबिटेड लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है, नॉट इनहिबिटेड, ठीक है, जो कि गलत है, यही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, दैट इज थर्ड इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो 2017 जून में पूछा गया था, पार्ट सी का क्वेश्चन है, ठीक है, 2017 पार्ट सी का क्वेश्चन पूछा गया था। अब इसमें क्या है कि इन्होंने दिया है कुछ पेप्टाइड सब्सट्रेट है, ठीक है, उनका के कैट और के एम वैल्यू है और उन्होंने कई सारे सिग्निफिकेंस निकाले हैं। सो लेट सी के कैट बाई के एम पहले कैलकुलेट करिए, ठीक है। अगर आपको कैटालिटिक इफिशियंसी या कुछ भी चेक करना है तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कैटालिटिक इफिशियंसी क्या होती है, के कैट बाई के एम, ठीक है। तो के कैट बाई के एम कैलकुलेट करिए, वही क्वेश्चन का सोल्यूशन है यहाँ पे। पहले में उन्होंने सिर्फ एक्स अमीनो एसिड था, एक्स एलेनिन सी ओ एन एच टू, दूसरे में एक्स एलेनिन सी ओ एन एच टू, एक्स वाई जेड एक्स वाई, यहाँ पे वैलिन हो गया, ठीक है। के कैट बाई के एम देखिए, तो के कैट बाई के एम आप देखिए तो इसका सबसे कम है, उसके बाद सेकेंड का है, फिर थर्ड का सबसे ज़्यादा है। तो यानी नंबर ऑफ अमीनो एसिड भी बढ़ रहा है, यहाँ पे एक्स वाई था, यहाँ पे एक्स वाई जेड हो गया। एक्स वाई जेड इज़ नथिंग जस्ट द नंबर ऑफ अमीनो एसिड, कि एक दो तीन अमीनो एसिड कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि नंबर ऑफ अमीनो एसिड बढ़ रहा है तो के कैट बाई के एम भी बढ़ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे वैलिन और एलेनिन के फॉर्म में देखिए, ठीक है, जो कंक्लूजन है वहाँ पे देखिए। अब ऑप्शंस पे आइए, ऑप्शंस पे देखेंगे तो हम क्या करेंगे कि पहला ए ऑप्शन क्या है, कैटालिटिक इफिशियंसी इंक्रीजेस विद द साइज ऑफ पेप्टाइड। जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या कैटालिटिक इफिशियंसी बढ़ रही थी, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही है, ए इज करेक्ट, ठीक है। अब हम सी देखते हैं कि कैटालिटिक इफिशियंसी डिक्रीजेस फ्रॉम 3 अमीनो एसिड टू 4 अमीनो एसिड, हाँ कैटालिटिक इफिशियंसी क्या डिक्रीज करेगा फ्रॉम 3 अमीनो एसिड टू 4 अमीनो एसिड, ठीक है, नहीं। कैटालिटिक इफिशियंसी नंबर ऑफ अमीनो एसिड से क्या होगा, जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे कैटालिटिक इफिशियंसी क्या होगा, बढ़ेगा, अभी हमने वही तो देखा। तो सी ऑप्शन गलत है, तो कौन सा हो जाएगा, ए और बी, पहला ऑप्शन इज करेक्ट, क्लियर है, ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चंस रिगार्डिंग द एंजाइम काइनेटिक्स आस्क्ड इन द CSIR पेपर 2017, ठीक है। सो इफ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज कमेंट इन द वीडियो कमेंट बॉक्स, एंड इफ यू हैव any queries you can direct message me. Thank you for watching this video. If you like my video, please do like and share. Thank you very much.